हेलो दोस्तों, मैं अरविंद आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल ट्रिकी दुनिया अरविंद में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए फिर से एक खास चीज लेके आया हूं। एक्चुअली मैंने एक बहुत समय पहले लगभग एक डेढ़ साल पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने रैम मैनेजमेंट ऐप क्रैश वगैरह इसके ऊपर एक थोड़ी सी ट्रिक बताई थी और वो मेरी वीडियो आप लोगों ने बहुत पसंद की। दोस्तों दिल से मैं आप लोगों को उसका शुक्रिया करता हूं। और पर उसमें एक चीज ये भी था कि वो टेम्परेरी टाइप का एक सोल्यूशन था, आपको हर सातवें दिन या आठवें दिन हफ्ते में एक बार करना ही पड़ता था। बहुत सारे लोगों को ये चीजें अच्छी लगी थी पर कुछ लोगों के मोबाइल में वो काम नहीं कर रही थी। एक्चुअली जैसे रियलमी के मोबाइल्स हैं, रेडमी के मोबाइल्स हैं, उनमें वो ऑप्शंस देखने को नहीं मिला था। पर आज मैं दोस्तों आप लोगों के लिए वही सॉल्यूशन एकदम सटीक तरीके से लेके आया हूं जिसमें आप लोगों को ये परमानेंट इलाज है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल मेरा देख ही लिया है, ये परमानेंट इलाज है, उसी चीज का बिल्कुल सटीक सॉल्यूशन है। और दोस्तों इस चीज को मैं लगभग एक डेढ़ साल से लगभग यूज कर रहा हूं। मैंने एक मोबाइल पे नहीं, बहुत सारे मोबाइल पे अपने जितने रिलेटिव से दोस्त है जान पहचान के मुझे जो भी मिलता रहा सबके मोबाइल पे मैंने टेस्ट किया है, एकदम परफेक्टली काम किया है, कोई भी इशू देखने को नहीं मिला और ये प्रॉपरली काम कर रहा है, कोई इशू नहीं है इसमें। आप एक बार खुद से भी टेस्ट कीजिए, मैं इसको खुद से रेकमेंड कर रहा हूं आप लोगों को। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनमें से बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे जिनको जो आंख बंद करके मुझ पे भरोसा करते हैं उनको ये पता है कि मैं बिना टेस्टिंग के कोई भी चीज लाता नहीं हूं। मोस्टली सारी चीजें मैं खुद से टेस्टिंग की होती है। तो दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो में मैं आप लोगों को वही चीज दिखाऊंगा आपकी। एक्चुअली ये मेरी जो वीडियो है ऐप मैनेजमेंट रैम मैनेजमेंट को कैसे बेहतरीन करे, चाहे आपका वो 3 GB का मोबाइल हो, चाहे 2 GB का मोबाइल हो, या फिर आपका 6-8 GB का मोबाइल हो, उससे मैटर नहीं करता। तो यहाँ पर मैं दोस्तों आप लोगों को कुछ ट्रिक्स हैं, ये ट्रिक्स आप लोगों को बताऊंगा, छोटी मोटी ट्रिक्स हैं, आप लोगों को वही सारी चीजें इसमें करनी है और एकदम सेम टू सेम कीजिएगा, कोई चीज इधर उधर मत कीजिएगा। फिलहाल ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। यहाँ पर मैं अब बाकी का पार्ट करता हूँ ऐड, जो कि आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों करते हैं इसको स्टार्ट। तो दोस्तों यहाँ पर मैं करता हूँ मेन पार्ट स्टार्ट। सबसे पहली चीज आप लोगों को बता दूँ, 3 चीजें आपको करनी है। एक जिन लोगों के मोबाइल में मेरा पहली वाली वीडियो वाला प्रोसेस काम कर रहा है वो तो करना ही करना है। ये तो वो पहले वाले जो वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, आप लोग प्लीज उसको देख लीजिएगा क्योंकि वो भी एक हद तक मैंडेटरी है। तो जिन लोगों के वो काम हो रहा है वो करना है। दूसरा, जो भी बाकी सारे मोबाइल्स वाले हैं उनको करना क्या है, लॉन्ग प्रेस करना है जिस ऐप को आपको ऑप्टिमाइज करना है। तो यहाँ पर आपको करना है ऐप इन्फो में जाना है जिसमें भी आपको रैम मैनेजमेंट और ऐप मैनेजमेंट ठीक करना है। तो यहाँ पर उसके बाद क्लियर डाटा यहाँ पर जाना है, यहाँ क्लियर कैशियर करके आपको देखने को मिल रहा होगा, इसको कर देना है, मैं नज़दीक कर दे रहा हूँ, इसको क्लियर कैशियर कर देना है, ओके कर देना है। ओके, क्लियर कैशेस हो गया। अब आपका जो मेन स्टेप है वो यहाँ से होता है स्टार्ट। तो आपको सबसे पहले ऊपर की तरफ चलना है, सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको सबसे ऊपर जो भी जिसके भी सेटिंग है किसी के ऊपर किसी के नीचे सर्च करने का ऑप्शन मिलता है, तो सर्च बार पे आपको टाइप करना है ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन देख लीजिए आप, मैंने यहाँ पर लिखा है और उसके बाद आप लोगों के पास कुछ ऑप्शन आ जाते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को करना है बैटरी ऑप्टिमाइजेशन पे टच। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटरी ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिल रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पर टच करना है। कुछ सेकंड्स यहाँ पे आपको लगेंगे, उसके बाद आपके पास नॉन ऑप्टिमाइज्ड ऐप करके इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी जिसमें आपके वो एप्लीकेशन होंगे जो कि ऑप्टिमाइज नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ ऑप्टिमाइज और अनऑप्टिमाइज नॉट ऑप्टिमाइज में फ़र्क क्या है। ऑप्टिमाइज मतलब होता है बैटरी बैकअप के लिए यूज़ हो रहे हैं, यानी कि उनको बैकग्राउंड में ब्लॉक कर दिया जाता है, बैकग्राउंड में वो रनिंग में नहीं रहते हैं। नॉट ऑप्टिमाइज वो होते हैं जो कि बैकग्राउंड में भी चलते रहते, बैकग्राउंड में बंद नहीं होते हैं। तो यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन इन बिल्ट ही जो कि नॉट ऑप्टिमाइज होते हैं। अब आपको चलना है यहाँ पर इस एरो पे टच करना है, उसके बाद नीचे ऑल ऐप्स में चलना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको जो भी एप्लीकेशन है जिसको भी आपको रैम मैनेजमेंट में या और भी जैसे ऐप मैनेजमेंट में रखना चाहते हैं, अच्छे रखना चाहते हैं, तो उसको आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी है, एक गेमिंग है, ये यहाँ पर मैं टच करता हूँ, उसके बाद मेरे पास ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे दो। तो यहाँ पर डोंट ऑप्टिमाइज वाला जो ऑप्शन है इस पर टच करके उसको कर देना है डन। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पर दोबारा टच करता हूँ नॉट ऑप्टिमाइज वाले यानी कि पहले वाले ऑप्शन में चलता हूँ, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कॉल ऑफ ड्यूटी मेरा आ गया है। अब यही नहीं, आपको दोस्तों जो जो एप्लीकेशंस रैम मैनेजमेंट के लिए यूज़ करने हैं मतलब अच्छे रखने हैं उन ऐप्स को ही सिर्फ यहाँ पर लाइएगा।
अब यहाँ पर अगला स्टेप मेरा स्टार्ट होता है। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा दूँ कि बैकग्राउंड में मैं कोई भी एप्लीकेशन मेरी अभी यूज़ नहीं है, ये सिर्फ कुछ एप्लीकेशंस ही हैं। और यहाँ पर मैं चलता हूँ कॉल ऑफ ड्यूटी को ओपन करता हूँ, उससे पहले मैं नेट ऑन कर दूँ, कॉल ऑफ ड्यूटी को ओपन करता हूँ। तो यहाँ दोस्तों देख सकते हैं आप, मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी ऑन कर दिया है। अब इसको मैं करता हूँ यहाँ पर मिनिमाइज़, मिनिमाइज़ करके कुछ सेकंड्स के लिए ऐसे ही रहने देता हूँ आप लोगों के सामने दोस्तों, यहाँ वहाँ नहीं करूँगा मैं, उसके बाद फिर से इसको ओपन करूँगा। तो ऑलरेडी मैंने ऑप्टिमाइज़ कर रखा है इसको, नॉट ऑप्टिमाइज़ कर रखा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैं दोबारा से इसको यहाँ पर लाता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ और ये एज इट इज़ ही ओपन हो रही है, कहीं से भी ये नहीं हुआ कि ये मेरी ऐप रीस्टार्ट हो रही हो। मैं आप लोगों को दोबारा से दिखा देता हूँ, इसको फिर से मिनिमाइज़ कर दे रहा हूँ। आप लोगों को तीन स्टेप्स मैंने बताया, जिनके मोबाइल में मेरी फर्स्ट वीडियो वाला स्टेप चल रहा है, एक्चुअली उस पर बहुत सारे लोगों ने उसको यूज़ किया, कई सारे लोग उससे खुश भी हुए, कई लोगों के वो ऑप्शन देखने को नहीं मिला है और उस पर मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखने को मिला आप लोगों को दोस्तों। तो तहे दिल से मैं आप लोगों का उस पर शुक्रिया कर रहा हूँ। और ऐसे ही अगर आप लोग मुझे रिस्पांस देते रहे, अच्छा रिस्पांस देते रहे, आप लोग वीडियो को पसंद करते रहे, लाइक और शेयर सब्सक्राइब वगैरह मिलता रहे, तो मैं बहुत ही जल्दी दोस्तों बहुत ही बड़ी एक खुशखबरी आप लोगों को दूंगा। एक्चुअली यानी कि मैं करने जा रहा हूँ गिव अवे, मोबाइल्स का गिव अवे करने जा रहा हूँ बहुत जल्दी। बस उसके लिए कंडीशन है मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएं, उसके बाद मैं स्टार्ट कर दूंगा वो गिव अवे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब मैं यहाँ पर फिर से इसको दोबारा से ओपन करता हूँ, तो देख सकते हैं दोस्तों कोई भी यहाँ पर ऐप रीस्टार्ट का पंगा देखने को आपको नहीं मिला है। यहाँ पर मेरा प्रॉपरली काम कर रहा है दोस्तों, यानी कि आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई बग देखने को नहीं मिलेगा, तो कोई भी पंगा आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा, मैं आप लोगों को उसका सोल्यूशन जितनी जल्दी हो उसकी उतनी जल्दी बताऊंगा। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोगों को अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है आप लोगों की, कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। मेरे पास जो भी और भी कोई बहुत सारे सोल्यूशन है जो मैं इस वीडियो में ना कर पाया हूँ, तो आप लोगों को भाई कमेंट में मैं वो बता दूंगा, तो आप लोग प्लीज टाइप जरूर कीजिए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। और दोस्तों एक खुशखबरी भी है आप लोगों के लिए, मैं बहुत ही जल्द गिव अवे करने जा रहा हूँ, बस एक कंडीशन है कि आप लोग मेरे 10,000 सब्सक्राइबर पूरे करवा दीजिए। 3.75 के करीब हो ही चुके हैं, ज्यादा नहीं है, थोड़े से ही है। आप लोग चाहे तो सब्सक्राइबर चाहे तो कुछ भी हो सकता है दोस्तों, आप लोगों के हाथ में ही है सारी चीजें। तो प्लीज 10,000 सब्सक्राइब पूरे करवा दीजिएगा, उसके बाद मेरा एक सबसे बड़ा अब तक का गिव अवे आप लोगों के सामने आ जाएगा। और एक नहीं दोस्तों, उसके तीन गिव अवे होंगे, तीन गिव अवे, वो मोबाइल है और मोबाइल से बढ़कर आप लोगों को क्या चाहिए। तो बेहतरीन बेहतरीन मोबाइल जो मुझे पसंद है मेरे पास अवेलेबल होंगे, मैं परचेज कर पाता हूँ उन लोगों को, तो वो उन मोबाइल्स को तो वो मैं गिव अवे में करूंगा दोस्तों। तो अगर आप लोगों ने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो इस चांस को मिस मत कीजिए, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर दिलवाइए। 10,000 यानी 10K सब्सक्राइबर होते ही मैं गिव अवे कर दूंगा स्टार्ट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, हैव ए नाइस डे।